मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करते हुए डॉक्टर की टीम के निरीक्षण में टीकाकरण किया गया। मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इससे पहले कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी की शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की गई। टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया एक्सपर्ट डॉक्टरों की उपस्थिति में की गई। इस दौरान श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च आयुर्वेद एंड मेडिसिन के प्रिंसिपल डॉक्टर भारत चौरगड़े ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए हैं। शिविर का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया है। आयोजन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में बताने के साथ ही लोगों को मास्क का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। उन्होंने बताया कि जिनकी भी खांसी बुखार या अन्य किसी प्रकार की बड़ी बीमारी थी, उनको कोरोना के टीके से दूर रखा गया। इस मौके पर मानसरोवर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत ने लोगों से अपील की है कि लोग वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। यह वैक्सीन सुरक्षित है, उन्होंने खुद यह वैक्सीन लगवाई है। लोग वैक्सीन लगवाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के इस समय भी मानसरोवर ने अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन किया है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का एक केंद्र स्थापित किया माननीय SDM सतीश शर्मा जी के द्वारा के माध्यम से हमको किया। अभी तक लगभग 70 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करके वैक्सीनेशन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन है, इससे हमको सुरक्षा मिल रही है। इसके किसी भी तरह की कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। मैंने स्वयं भी वैक्सीनेशन करवाया है, इसलिए मैं सभी आम जनता से ये अपील भी करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ अपनी ओर से कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सरकार की इस मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ दे और सभी वैक्सीनेशन करवाएं। अभी जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और साथ में वैक्सीनेशन के साथ में हमको कोरोना से लड़ने में सफलता भी मिलेगी। और उसके अतिरिक्त सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, श्री साई ग्राम उत्थान समिति और मानसरोवर ग्रुप हमेशा से इस कोरोना की इस पूरी लड़ाई में पिछले एक वर्षों से निरंतर काढ़ों का वितरण करके विभिन्न अवेयरनेस कैंप्स लगाकर विभिन्न कॉलोनीज में हमने काढ़ों का वितरण किया, और साथ ही विभिन्न जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे कर्मचारियों को कोविड वॉरियर की ट्रेनिंग दी। इसीलिए सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है और इसके तहत हमने 45 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर के सारे नागरिकों को जो कि इस एरिया के आजू बाजू में रहते हैं, उन सबसे निवेदन किया था कि वे आकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं। और मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष होता है कि हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने इस योजना के तहत वैक्सीनेशन करवाया है। यहाँ पर हमने उनका ब्लड शुगर, BP और बाकी जितनी भी जाँचें हैं वो सब हमने यहाँ पर विधिवत करवाई है, और कोविड गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अनुसार हमने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। और प्रोग्राम ये जो कार्यक्रम ये सुबह 9 बजे से चालू हुआ और शाम के 5 बजे तक ये चलता रहा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।